नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में पार्टी विधायकों के साथ विरोध मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से मिलने और विशेष सत्र बुलाने के लिए दो बार पत्र लिखा, लेकिन हमें समय नहीं मिला। हुड्डा ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन फिर भी विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। और इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने किसान आंदोलन को लेकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस शुरू से ही किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। हुड्डा पहले भी कहते हैं कि केंद्र सरकार को इन तीन कानूनों के अलावा एमएसपी से जुड़ा कानून भी बनाना चाहिए, जिससे किसानों को परेशानी ना हो, उन्हें उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि अगर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाता है तो किसानों का, विरोध करने वालों का चेहरा सामने आ जाएगा। हुड्डा का कहना है कि वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं और साथ ही एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाना चाहते हैं। हुड्डा ने कहा कि किसान शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। 26 जनवरी को 10 लाख किसान दिल्ली में थे, लेकिन किसी दुकान वाले या रेड़ी वाले की कोई शिकायत नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर राकेश टिकैत ने लगाए गए सभी गंभीर आरोप निराधार है। टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर नंदकिशोर गुर्जर पर अपने गुंडे भेजकर आंदोलन स्थल से हटवाने के आरोप लगाए थे। तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसान की ना कोई जाति है, ना कोई धर्म और ना पार्टी होती है। प्रधानमंत्री मोदी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। मोदी सरकार के लिए किसान और जवान भगवान के समान है। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बातचीत से हर हल निकलता है, बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है। पीएम ने भी कहा कि बात करने के लिए आगे आए। अनिल विज ने कहा कि सभी को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आम जनता को नुकसान ना हो, मेरी अपील है कि 6 तारीख का चक्का जाम ना करें। विज ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति की रोटियां सेक रही हैं, ये पार्टियां हल नहीं होने देना चाहती। 10 विपक्षी पार्टियों के 15 सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और इस दौरान सभी 15 सांसद, जिनमें हरसिमरत कौर बादल, कनी मोजी और टीएमसी के सांसद शामिल थे, ये सभी सांसद आंदोलन कर रहे किसानों से मिलना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बॉर्डर पार करने की अनुमति नहीं दी। किसानों की अनुमति नहीं मिलने के चलते विपक्षी दलों ने सभी 15 सांसद किसानों से मिले बिना ही वापस लौट गए। दिल्ली पुलिस ने कील काटों की कतारें ढीली करनी शुरू कर दी हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें नए सिरे से लगाया जाएगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 70 से ज्यादा दिनों से जारी है और इस वजह से दिल्ली पुलिस ने कई रूट को बंद कर दिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। किसान आंदोलन का हल केवल बातचीत से है। उन्होंने कहा कि किसान के हित के कानून हैं, अगर किसान चाहते तो सरकार इन्हें 1.5 साल के लिए टाल सकती थी। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा में बहुमत को लेकर प्रस्ताव लाने वाले बयान पर कहा गया कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और सरकार पूरा समय अपना कार्य कर रही है, हुड्डा सपने देख रहे हैं। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसान को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले जनता के बीच जाए और लोगों की सेवा करे, फिर सत्ता में आने की सोचे। केंद्र और राज्य सरकार जनहितैषी कार्य कर रही है, 5 साल पूरा कार्य करेगी। प्रदेश में पानी की कमी पर भी बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि पानी की काफी कमी है और इसलिए एसवाईएल का पानी के लिए प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन फिलहाल किसानों का कहना था कि अभी सही समय नहीं। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सरकार को तुरंत तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एमएसपी को बचाने के लिए किसान सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है और उपभोक्ताओं की लड़ाई भी किसान लड़ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता, किसान अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। करनाल में डीसी और एसपी ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया और कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाएं और एहतियातन बरतें। भारतीय रेल मंत्रालय आगामी दिनों के अंदर पूरे देश में 360 पैसेंजर ट्रेन्स को मेल ट्रेन्स में तब्दील करने जा रहा है। अंबाला रेल मंडल ने 25 पैसेंजर ट्रेन्स मेल ट्रेन्स में परिवर्तित करने जा रही है।
दरअसल मंडल के डीआरएम ने बताया कि रेलवे बोर्ड रेल गाड़ियों को स्पीड अप करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अभी तक अंबाला रेलवे लाइन से कितनी पैसेंजर ट्रेन्स को मेल ट्रेन्स में तब्दील किया जाएगा इसकी औपचारिक जानकारी नहीं है। डीआरएम ने इस ओर भी इशारा किया है कि आगामी 1 जुलाई से अंबाला रेलवे मंडल के अधीन आने वाले ट्रेनों को जीरो बेस से शुरू किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटाने के निर्देश दिए हैं। इन बसों को किसान आंदोलन में आवाजाही के लिए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां इस्तेमाल कर रही हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली पुलिस द्वारा किसान आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही डीटीसी की बसें बड़ी संख्या में इस्तेमाल की जा रही हैं। विभाग ने डीटीसी को निर्देश दिए हैं कि बिना सरकार की अनुमति के दिल्ली पुलिस को बसें नहीं दें। आजादी की लड़ाई के दौरान घटी चोरा चोरी की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया है। पीएम मोदी ने ये कहा कि देश को कभी चोरा चोरी की घटना भूलनी नहीं चाहिए। उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन में कहा कि चोरा चोरी में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी और इससे बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को भी दिया गया। घटना को इतिहास में सही जगह नहीं दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि पहले बजट को वोट बैंक का बही खाता बनाया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने किसी पर भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया। किसानों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि देश की तरक्की में किसानों ने अहम योगदान दिया है। हमारी सरकार ने मंडियों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी बढ़ाया है। बजट के बाद आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 35 से 38 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल 86.65 रुपए प्रति लीटर हो गया है, तो वहीं आपको बताएं कि एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। इंडियन ऑयल के मुताबिक उपभोक्ताओं को 14 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। विश्व कैंसर दिवस के तहत भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का शुभारंभ सीएमओ सपना गलावत ने हरी झंडी दिखाकर किया है। भारी बारिश के बावजूद अंबाला हिसार रोड पर टोल टैक्स पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। युवाओं की टोली बाजारों में जाकर हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि किसानों का समर्थन करें। किसानों का कहना है कि सरकार कितने भी कीले लगा दे या कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दे, उनका आंदोलन किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होगा, आंदोलन तेजी से बढ़ता जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में बच्चे भी अपना योगदान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। टोहाना में 6 वर्षीय एकम रोजाना स्कूल से आने के बाद किसानों के धरनास्थल पर पहुंचता है और अपने दादा के साथ पढ़ाई करता है। एकम के दादा पिछले 36 दिनों से धरनास्थल पर आने वाले किसानों के लिए खाद्य सामग्री की तैयारी और आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते बच्चा धरनास्थल पर ही पहुंच जाता है। एकम के दादा का कहना है कि सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए ताकि किसान अपने घर जा सके। सिरसा में बड़े वाहनों की पासिंग की समस्या सुलझने का नाम नहीं ले रही। दरअसल आरटीओ की तरफ से हर बुधवार को बड़े वाहनों की पासिंग की जाती है, जिसमें ट्रक भी शामिल है, लेकिन हर बार अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिलता है। हजारों की संख्या में वाहन सिरसा आते हैं, हर बार पासिंग के नाम पर खामियां निकाल दी जाती हैं। वाहन चालकों ने आरटीए प्रशासन पर कई संगीन आरोप भी जड़े हैं, कहा कि उनसे हर बार अच्छा सलूक नहीं होता। सिरसा ट्रक यूनियन के प्रधान ने कहा कि अधिकारी छोटी छोटी खामियों के नाम पर गाड़ी वालों को परेशान करते हैं। बेवजह रेड क्रॉस की पर्ची काटी जाती है, जो बंद होनी चाहिए। और भी अनियमितताएं हैं जिनका हल होना चाहिए। किसान आंदोलन का अब फल और सब्जियों पर भी असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ उद्योग इसकी मार झेल रहा है, तो वहीं अब सब्जियां भी मंडी में देरी से पहुंच रही हैं। देरी के कारण कई सब्जियों में 50-70% का इजाफा देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि अब आम आदमी की जनता पर भी सीधा असर देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन से अब तक कैथल रोडवेज डिपो को 25 लाख के करीब नुकसान हो चुका है और दूसरी ओर बस न चलने से यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैथल डिपो के बेड़े में 120 बसें शामिल हैं। इनमें से किसान आंदोलन में पहले 21 बसें दिल्ली रूट पर दौड़ती थी, जो रोजाना एक बस 15,000 के करीब आमदनी विभाग में जमा करवाती थी।
भिवानी के जिला उपायुक्त ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान अस्पताल में हड़कंप मच गया। औचक निरीक्षण के दौरान डीसी ने आउटसोर्सिंग पर लगे ठेका कर्मचारियों से बात की। तो वहीं ठेका कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त को बताया कि जिन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया, कर्मचारियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला उपायुक्त ने ठेकेदारों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए और सिक्योरिटी अमाउंट जब्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीसी ने बताया कि 2 करोड़ की लागत से अस्पताल में रेनोवेशन करवाया जाएगा, जिससे अगले 3 महीने में अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बदल दी जाएंगी। हरियाणा सर्वभाव सर्वजातीय युवा पंचायत प्रदेश अध्यक्ष सतीश राठी ने कहा कि 11 फरवरी को महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान कहा पंचायत का ऐलान आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश समेत उत्तर भारत की सभी खा पंचायतों और किसानों के साथ देने वाले राजनेता भी हिस्सा लेंगे। 24 के चबूतरे पर होने वाले सम्मेलन में अभय चौटाला समेत किसानों का साथ देने वाले नेताओं का सम्मान किया जाएगा। 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान आंदोलन को मजबूत करने और 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। रेवाड़ी के स्वास्थ्य विभाग कैंसर जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत आशा वर्कर्स और ANM घर घर जाकर लोगों को इस घातक बीमारी के बारे में जागरूक करेंगे। यदि किसी व्यक्ति में कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे अस्पताल लाकर उसकी शुरुआती जांच की जाएगी, साथ ही जो एकदम निःशुल्क होगी। वैसे प्रदेश सरकार की तरफ से कैंसर पीड़ित और उसके परिवार को एक सदस्य के लिए रोडवेज द्वारा निःशुल्क बस पास की सुविधा भी दी जाती है। पंचकुला में DGP हरियाणा मनोज यादव ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। सेक्टर 6 में DGP मनोज यादव ने पुलिस मुख्यालय में खुद टीका लगवाकर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ किया। पहले दिन पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत हरियाणा पुलिस के बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीका लगवाया। लॉकडाउन में आमजन को पुलिस का नया चेहरा देखने को मिला। पुलिस के प्रयासों को निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। कृषि मंत्री JP दलाल ने लोहारों में आयोजित खुले दरबार में दिव्यांगों आगजनी में पीड़ितों और बाकी जरूरतमंदों को 9.81 लाख रुपए की मदद से राशि के चेक स्वीकृत कर दिए हैं, जिन्हें लाभार्थियों को बांटा गया है। दरअसल कृषि मंत्री के स्थानीय कार्यालय में उनके कार्यालय सचिव ने 30 लाभपात्रों में चेक बांटे हैं और कहा कि भविष्य में हर जरूरतमंद की इसी तरह मदद की जाती रहेगी। गोहाना में भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि सरकार या तो किसानों की मांगों को तुरंत मान ले, नहीं तो आने वाले समय में इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। फरीदाबाद में सरकार को IMA ने चेतावनी दी है कि अगर नई पॉलिसी की तरह आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी करेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध करेगा। इसी मुद्दे को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। डिप्टी कमिश्नर आवास पर जाकर अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। IMA ने मिक्सोपैथी के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। दरअसल आपको बताएं कि 15 फरवरी तक डॉक्टर्स आंदोलन करेंगे। 9 फरवरी को जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कई जगहों पर 2 घंटे के लिए OPD बंद रखने का भी फैसला लिया गया है। फरीदाबाद के गांव दयालपुर में देर रात एक व्यक्ति को बदमाशों ने पीटकर अधमरा कर दिया, जिसके बाद बोरी में बंद कर उसको गटर में फेंक दिया। सुबह ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को गटर से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जल्द सरकार उनकी मांगे माने। सिरसा बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने वर्कशॉप के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। GM और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ठेकेदार और GM ने मिलीभगत कर ठेकारत कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए 5-5 हजार रुपए की रिश्वत ली, जिसके बाद 6 कर्मचारियों को नौकरी से भी हटा दिया। सिरसा में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिले में फ्रंटलाइन वॉरियर्स का डाटा संकलन का भी कार्य शुरू कर दिया गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सुभाष कॉलोनी की गली नंबर 2 में एक व्यक्ति को बिजली विभाग ने 65 लाख रुपए की बिजली बिल अब ठीक कर दिया है। अब उसे 65 लाख की जगह 4 हजार का नया बिल भेजा गया है।
इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अब बिल ठीक होने के बाद उपभोक्ता ने मीडिया का आभार जताया और कहा कि भविष्य में विभाग इस तरह का बिल ना भेजे ताकि जो परेशानी उसे हुई वो किसी और को ना। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है जिसकी वजह से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश देखने को मिली, साथ ही बेमौसम बारिश के दौरान गरज के साथ ओले भी पड़े हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई इस बारिश के बाद एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि दिल्ली में अगले 48 घंटे में बारिश हो सकती है। कैथल में भी मौसम ने करवट बदली है, जिले में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। अंबाला में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है, घने बादल के साथ बूंदाबांदी भी देखने को मिली, फिर तेज हुई बारिश। बारिश से जहां फसलों को काफी फायदा मिलने वाला है, लोगों को पॉल्यूशन से भी राहत मिलेगी। आशंका जताई जा रही है कि बारिश के बाद एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने हरियाणा में शादियों के कार्ड और गाड़ियों पर स्लोगन का ट्रेंड बदल दिया है। अब लोग शादी के कार्ड पर ट्रैक्टर और हल प्रिंट करवाने लगे हैं। कुछ लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों पर आई लव खेती, नो फार्मर नो फूड जैसी स्लोगन लिखवा रहे हैं। शहर के एक प्रिंटिंग प्रेस संचालक दिनेश शर्मा ने बताया कि पहली बार लोग शादी के कार्ड पर किसानों का समर्थन करते हुए स्लोगन लिखवा रहे हैं। इसके अलावा भगत सिंह, सर छोटूराम जैसे महापुरुषों के चित्र कार्डों पर छपवाने का ट्रेंड बढ़ रहा है। इस साल दिल्ली रोड पर रामायण टोल प्लाजा पर किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें इलाके के किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। महापंचायत में पहुंचे नेताओं ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। टोल प्लाजा पर मौजूद किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। महापंचायत में महिलाओं की उपस्थिति काफी ज्यादा नजर आई। चरखी दादरी जिले के गांव खातीवास में ग्रामीण 152 डी कॉरिडोर के अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर 20 फरवरी 2019 से लगातार धरना कर रहे हैं। कोविड 19 के चलते कुछ समय के लिए धरना स्थगित किया गया था, उसके बाद लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से भी अधिकृत जमीन पर कब्जा लेने के लिए प्रशासन पुलिस बल के साथ दो बार गांव में पहुंच चुका है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी। धरना प्रधान अनूप ने बताया कि हम अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी जमीन पर गेहूं और धान की अच्छी फसल होती है। दादरी शहर के पास लगती जमीन को सरकार कौड़ियों के भाव में लेना चाहती है, लेकिन हम अपनी जमीन को मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलेगा तो जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में देर रात से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों को का कहना है कि उनकी फसल को मिलेगा भरपूर पानी, ये बरसात किसानों के लिए सोना है। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला पोषण महाअभियान के तहत बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में नुक्कड़ नाटकों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें बताया गया कि कैसे हम बच्चों को कुपोषण से बचाकर खेत मन में लगा सकते हैं। फरीदाबाद पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई सराय ख्वाजा की ज्वेलरी शॉप से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चुराया गया 40 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ दर्जनों ज्वेलरी की दुकानों पर चोरी के मामले पहले से ही दर्ज हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अमेरिका का कहना है कि किसी भी विवाद या प्रदर्शन को लेकर दोनों पार्टियों में चर्चा होनी चाहिए, बातचीत के जरिए मसले का हल निकलना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि हमें लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जारी प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, अगर दोनों पक्षों में मतभेद है तो उसे बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। क्रिकेटर विराट कोहली ने कहा कि असहमति के इस समय हम सभी एकजुट रहें, किसान हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, मुझे यकीन है कि सभी पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकल आएगा, इससे सभी आगे मिलकर बढ़ेंगे। सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता, बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं, भारतीय लोग भारत को जानते हैं और उन्हें ही भारत के लिए फैसला लेना चाहिए।